समोसा शॉर्ट्स दो तरीके से बनाए, डीप फ्राइड और एयर फ्राइड, जो आपको पसंद हो वैसे ही बनाइए। चलिए बता देते हैं कि कैसे बनाया। आप तब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं अब तक, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल वाली घंटी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें जो भी हम नई रेसिपीज़ डालें। और अगर वीडियो पसंद आए तो थम्स अप भी दीजिए। तो चलिए बनाएं समोसा शॉर्ट्स। बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर 2 कप मैदा ले लिया है। तकरीबन इसमें 2/3 कप पानी डलेगा जो कि मैंने अलग से निकाल लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 मसाले वाले स्पून, स्मॉल टीस्पून नमक, 2 ही टीस्पून मैं इसमें डालूंगी कलौंजी यानी कि निगेला सीड्स। उसके अलावा इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून जितना ऑयल। ये हमने 2 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल दिया है। इसको पहले मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर इसको इस पानी से इसका डो बनाएंगे। तो पहले इसे मिक्स करके और डो बना लेते हैं। देखिए जब आप इसको आटा माड़ेंगे तो पानी थोड़ा थोड़ा सा डाल के माड़ें, क्योंकि हो सकता है थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए। कई बार मैदा भी थोड़ा सा मोटा और पतला होता है तो उससे फ़र्क पड़ता है पानी का, इसलिए मैंने आपको कहा कि लगभग 1/3 कप पानी लगेगा, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। अच्छा, क्योंकि ये समोसा शॉर्ट्स हैं तो ऑब्वियसली ये डीप फ्राई होंगे। वैसे तो आप एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं इसको, लेकिन एयर फ्रायर में इसका टेस्ट इतना मज़ेदार नहीं आता। पर फिर भी कुछ 1-2 हम ज़रूर ट्राई करेंगे एयर फ्रायर में भी। देखिए 1/3 कप पानी जो है वो पूरा सही बैठ गया। अब मैं इसको अच्छी तरह से नीट कर देती हूँ और एक बार इसको अच्छे से नीट कर लूँगी उसके बाद फिर हम इसको बनाना शुरू करेंगे। देखिए ये आटा ना तो बहुत ही सॉफ्ट है जैसे रोटी का होता है, ना बहुत ही हार्ड है, ऑलमोस्ट जैसे पूड़ी के लिए आप बेलते हैं। ये देखिए उस तरीके से बना है ये और अच्छे से हो गया है। लेकिन अब इसको रेस्ट पे रखना होगा 10 मिनट के लिए। जब तक हम पोटैटो की तैयारी करेंगे तब तक इसको रेस्ट पे रख देंगे। तो मैं इसको ढक देती हूँ और इसको एक साइड में रख देती हूँ और अब हम पोटैटो की तैयारी करते हैं फिलिंग की। तो लीजिए ये हमारे 5 से 6 मीडियम साइज़ के पोटैटोस जो कि बॉईल करके ग्रेट कर लिए थे। इसके अंदर हम मसाले डाल देते हैं। सबसे पहले हम डाल देंगे यहाँ पर नमक स्वाद अनुसार। नमक याद रखिएगा हमने मैदे में भी डाला है तो इसीलिए उसी हिसाब से डालेंगे। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, टीस्पून, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर यानी कि जीरे का पाउडर, और इसके अंदर डलेगा 3 से 4 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लोर। वो हम धीरे धीरे डालेंगे क्योंकि हो सकता है कम भी लगे और हो सकता है ज़्यादा भी लगे। आलू कई बार थोड़े से गीले हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, तो थोड़ा कॉर्नफ्लोर ज़्यादा ज़रूरत होता है। अभी तो मैं इसमें खाली 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल के और फिर इसको शुरू कर रही हूँ गूंदना।
आपको मैं बताऊंगी कितना कॉर्नफ्लोर लगा। देखिए मेरे ये आलू काफ़ी अच्छे उबले हुए थे, तो अभी तो एक ही टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर में काम चल गया, लेकिन अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और 2 से 3 टेबलस्पून जितना हरा धनिया। अब नमक है क्योंकि, और हरी मिर्च और धनिया मिलेगा तो हो सकता है ये थोड़ा सा पानी छोड़े और मुझे और डालना पड़े कॉर्नफ्लोर, बट पहले मैं इसको मिक्स करती हूँ और फिर अगर डालना पड़ेगा तब डालूँगी। मुझे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लग गया और इसका मतलब टोटल 3 टेबलस्पून, और ये अच्छा सा डो बन गया है। अब मैं थोड़े थोड़े से पीसेस लेके हाथ पे तेल लगा के और इसके सिलेंड्रिकल से छोटे छोटे कटलेट बना लूँगी। एक बार कटलेट बना लेती हूँ तो उसके बाद आपको दिखाएंगे और नेक्स्ट फिर स्टेप शुरू करेंगे। पोटैटो रोल्स यहाँ पर बन चुके हैं और मैंने यहाँ पर देखिए मैदे को 5 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करके बॉल्स बना दिया है। इसको अब हम आटे में, सूखे आटे में लगा के और इसकी ओवल रोटी टाइप बनाएंगे, पतली पतली। तो चलिए एक रोटी पहले बनाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने एक रोल बेल लिया है और उसमें 4 आ गए हैं एक लाइन में रोल्स पोटैटो के। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से कट कर देंगे लेंथ में इसी के साइज़ का, और साइड से जो एक्स्ट्रा है इसको हटा देंगे। लीजिए ये कुछ इस तरीके से हो गया। और यहाँ पर मैंने बहुत गाढ़ी सी घोल या स्लरी बना के रख दी है, 2 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून पानी, ताकि ये चिपक जाए। अब हमने करना क्या है, इसको इस तरीके से रोल कर देना है। रोल करने के बाद यहाँ लास्ट में ये स्लरी लगाकर और हम इसे चिपका देंगे। ये सब के सब इस तरीके से हम रोल बना के रख देंगे और यहाँ साइड से भी इसे चिपका देंगे। एक बार ये सब बन जाते हैं फिर आगे का प्रोसीजर। लीजिए हमारे समोसा शॉर्ट्स सारे के सारे रेडी हो गए। अब हम ऑयल हीट कर लेते हैं और फिर इन्हें डीप फ्राई करते हैं। कुछ थोड़े से मैं सेपरेट कर दूंगी एयर फ्राई करने के लिए भी, ताकि आपको दोनों वर्जन्स दिखा सकें। देखिए यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल हीट करना रख दिया है, अभी पूरी तरह से हीट नहीं हुआ है। एक बार हीट हो जाता है तो फिर हम अपने समोसा शॉर्ट्स को फ्राई करेंगे। ऑयल हीट हो गया, पतला हो गया, और अब मैं कर रही हूँ सेक को मीडियम, क्योंकि इसको मीडियम सेक में ही फ्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अब मैं एक एक करके ये सब डाल देती हूँ, सब तो नहीं, जितने भी आएंगे एक बार में। और जैसा कि मैंने आपको कहा, कुछ मैं रखूंगी वैसे भी, ताकि उनको हम एयर फ्राई भी कर सकें, और आपको एयर फ्राइड वाले भी फिर दिखाऊंगी। मुझे ये 7 तो आ गए, इससे ज़्यादा तो नहीं आएंगे। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं और अब इसको फ्राई होने देते हैं और अलग पलट के करेंगे। इनफैक्ट ये एक साइड से तो फ्राई हो भी गया, ये देखिए। मीडियम सेक पर भी, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल जो है वो काफ़ी हीटेड रहता है काफ़ी देर तक, तो इसलिए ये मीडियम सेक पर भी डालते ही हो गया। और मैं इसको पलट रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से सारे पलट रही। देखें ये डीप फ्राइड समोसा शॉर्ट्स तो हो गए रेडी।
और अब मैं एयर फ्राई भी कर लेती हूँ, फिर दोनों को इकट्ठा आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी और आपको डिफरेंस भी पता चलेगा देखकर। मैंने एयर फ्रायर को 180 डिग्री पर 5 मिनट के लिए प्री हीट होना रख दिया है। एक बार ये हो जाएगा तो फिर फ्रिज में से निकाल के मैं इसे एयर फ्रायर में डाल दूंगी और 15 मिनट तक पकाऊंगी और फिर आपको प्लेट आउट करके दोनों एक साथ दिखाऊंगी, फ्राइड और एयर फ्राइड। देखिए ये है मेरे डीप फ्राइड पीसेस और ये है मेरे एयर फ्राइड पीसेस। इनको मैंने टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया है। आप भी इन्हें बनाएं, खाएं और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और दोनों में से कौन सा बेटर लगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।